बाबा रुका हो बिना डीवी किलर में आता फील, मतलब कि आवाज ज्यादा है तो तू चलाना ब्लाइंड टर्न इधर का। अब ये देख लो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब एरिया देख के ना थोड़ा थोड़ा पहाड़ का याद आने लग। तुम्हारा पैंट नहीं आएगा, तुम टेंशन नहीं, पहले से बहुत बिजी रहता है यार, खाली शॉर्ट्स देखता है। बना दो पाने का नंबर, चरण और राज दोनों मिल गया, ये रहा पीछे। तो अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा कॉलेज की तरफ, मतलब अविनाश के रूम पे पहले जाएंगे हॉस्टल पे, कॉलेज के हॉस्टल, उसके बाद फिर अब वहाँ से सैलेस को पिक करके फिर निकलेंगे अविनाश के रूम पे। वैसे ही जाना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है ऐसे ही कुछ कुछ आगे के लिए, तो इसीलिए निकल रहे हैं। अब शिफ्ट करते हैं मोटो ब्लॉगिंग पे डायरेक्ट। अभी तो इधर से ही, आज तो इधर से ही जा रहे हैं सोवन साइड से, इधर से हॉस्टल थोड़ा करीब पड़ेगा उस कारण से इधर से जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम है लहरिया सराय कि ये यहाँ पे हजमा चौराहा के पास, और गर्मी के कारण हालत ख़राब पूरा पूरा पूरा। और एक फ्रेंड को थोड़ा सा दवा ववा चाहिए था, उसके लिए उसके लिए भी ले लिया, अविनाश के लिए चाहिए, उसका तबीयत ख़राब हो गया ना उसीलिए उधर जा ही रहे थे तो ले लिए, उधर मिलता नहीं रहता है तो इधर मिल गया सारा कुछ तो ले लिए उसके लिए। अब फिलहाल निकला जाए, लगता है दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब इधर से तो टसक नहीं रहा है, रॉन्ग साइड से घुसा के निकालना पड़ेगा। ए बाबा रुका हो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, भला बात हो गया। इधर से नहीं निकलेगा, आगे से ही चलते हैं, लेट्स गो देन। किसका गाड़ी है भाई, ऐसे लगा के निकलता है कि अब चला जाए। वैसे सोवन ज़्यादा सेफ नहीं है रात के लिए, इनफैक्ट सब बोलता है। अब हम तो लेकिन दिन में जा रहे, लेकिन दिन में भी हमको मन नहीं करता रहता कभी कभी जाने का, बट लेकिन अब इधर आ ही गए हैं, इधर ही दवा ववा लेना ही था, तो इस कारण से ही हम इधर से जा रहे, नहीं तो मेरा हमको कोई इंटेंशन नहीं मेरा इधर से जाने का। तो लेट्स गो देन। तो वन हो के देखो कैसे दौड़ जाता है रोड पे, ऐसे कहीं दौड़ना चाहिए। जब से इधर से डीवी, इसमें डीवी किलर लगवाए हैं कल, तो पहला तो ये है कि आप फील उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा आपको ये बिना डीवी किलर में आता है फील, मतलब कि आवाज़ ज़्यादा है तो चलाने में भी ज़्यादा मजा आता है। और दूसरा बाइक जो है वो दबा दबा सा लगा रहता है, क्योंकि हम वो चलाए हैं, वो बिना हम डीवी किलर का चलाए हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, लगता है कि एयर फ्लो अच्छा से आ रहा है बाइक में, जैसे हम थ्रॉटल देंगे तो एयर फ्लो लगेगा सही से जा रहा है, और बिना अभी डीवी किलर लगवा चुके हैं तो ऐसा सीन होने लगता है कि लगता दबा दबा है। लेकिन अब देखो यार आवाज़ में भी डिफरेंस है, एकदम हाई थ्रॉटल पे ही आवाज़ आता है ज़्यादा, वैसे कम रहता है, फिर भी अब चला जाए। ये रोड है थोड़ा सा अजीब टाइप का, इसको इसमें बस वगैरह ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि सिटीज़ में बस अभी दिन में नहीं घुसाने देता है ना, इस कारण से इधर से ही बस वाला सारा कोई आदमी जाता है इधर से, भी इधर खतरनाक दिखाएंगे आगे जो टर्न आएगा उसको। लाइन टर्न्स तो नहीं है आगे है, बट लेकिन इधर ही कंस्ट्रक्शन होने वाला है एम्स का, जो दरभंगा में एम्स खुलने वाला है वो इधर ही कहीं पे बनेगा, वो पता नहीं हमको प्रॉपरली कहाँ बनेगा, वो भी पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन इधर ही एम्स बनेगा और इधर ही से सारा कुछ कनेक्टेड रहेगा, तो बहुत लोगों को बहुत बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हो, मधुबनी से बिलोंग करते हो, इधर उधर जयनगर किधर भी, सीतामढ़ी जिधर से भी आप बिलोंग करते हो, इधर में पटना में तो एम्स है ही फिलहाल से, बट लेकिन इधर से आप बिलोंग करते हो तो डायरेक्टली आप हाईवे आओगे, हाईवे से डायरेक्ट अंदर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सिटी में आने का झंझट नहीं है। लेकिन पहले कुछ दिन पहले डिसाइड ये हुआ था कि DMCH के बगल में बनेगा एम्स, तो उसमें एम्स में ये दिक्कत आने लगा था ना कि आप बोलते हैं उसको क्या कि एम्स के बीच में कोई पटरी नहीं कर रहा था, तो अब उस बीच में से कैसे आएगा, और ये आ गया पहला ब्लाइंड टर्न इधर का। अब ये देख लो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे क्या, लेकिन टर्न है। ओके
ओके, ये पहला हो गया, और भी बहुत है। तो उस कारण से इधर शिफ्ट कर दिया गया है एम्स को फिलहाल तो। लेकिन इधर धूप का आज धूप थोड़ा सा कम बोल सकते हो आप, कम लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर डेज। और यहाँ पे फिर एक लंबा टर्न आया। आज सोचे थे जरा ब्लॉगिंग करने का भी। ये क्या भाई, ये किसका कोई जानवर मर गया भाई? वो भाई वहाँ पे गाय या भैंस मरा हुआ था। शिट शिट मैन, चलो भाई जल्दी निकलते हैं यार इधर से, थोड़ा डर भी लगता रहता है इधर तो। इधर से हम आते नहीं हैं वैसे ज़्यादा फिर भी, लेकिन आज आ गए हैं, थोड़ा इधर से काम था इसलिए, नहीं तो नहीं आते। तो चला जाए अब, एरिया देख के ना थोड़ा थोड़ा पहाड़ का याद आने लगता है, अच्छा लगता है ये सब देखने में फिलहाल तो, बढ़िया लगता है मेरे को तो। इधर भी है खाली खाली पूरा। तो भैया जी लेट्स गो देन अगेन। ये एक और टर्न आ गया, ब्लाइंड देख निकला। चलो अब तो निकल ही गया, क्या ही फायदा है भाई। अब आ गए हाईवे पे पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको, हमको ये 10 मिनट लगा पूरा सा सोवन क्रॉस करने में। 10 मिनट नहीं, अभी 10 मिनट हो चुका है, जितना टाइम अभी और लगे हमको। हाँ अभी टाइम लगेगा शायद से, ये बंदा इंडिकेटर अभी तक लेफ्ट वाला दिए ही हुआ। 15 मिनट में पहुँच गए हैं सोवन के पास। सोवन मतलब हाईवे क्रॉस करने वाले हैं अभी हम। अब बस अच्छे से रोड क्रॉस करने का इधर, और ये एक ट्रक गया और अपन अब निकलेंगे फटाक से। और ये वो रहा मेरा हॉस्टल जो है ना, हम दिखा रहे हैं यहाँ से, दिखता रहता है सोवन साइड से, दिखता रहता है इजीली, दिखता रहता है। तो अभी हम दिखाते हैं किधर है, वो रहा हॉस्टल, वो रेड और वाइट कलर का जो है यहाँ से दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आई एम सॉरी, बट यही है। इधर से जा सकता हूँ क्या? हाँ जा ही सकता है। ये नेक्सॉन वाला क्यों इधर कर दिया भाई यार? चलो ठीक है, इधर से हम निकल रहे हैं। वो रहा हॉस्टल, ये चिमनी वाला जो है उसके पीछे डायरेक्ट दिख रहा होगा आई थिंक। अब वहाँ पे सैलेस आ गया होगा, उसको फिर से कॉल करते हैं, उससे मिलते हैं, फिर निकलते हैं अविनाश के रूम पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर से तो निकल रहा है अभी नेक्सॉन वगैरह जो भी अभी रुका हुआ था उधर, और उधर से मेन दोनों गाड़ी जा रहा है। इधर से एकदम फ्री हो के आप चलाओ, ऑलमोस्ट कोई नहीं है, लेकिन जहाँ बोले ऑलमोस्ट कोई नहीं है। 3 बंदा आ गया यार, चलो सिर्फ गार्डन आ ही गया, अब उसके बाद में आएगा डेस्टिनेशन। चलो भाई सैलेस वेयर यू ग्रो, वहाँ रुका हुआ है मेरा दोस्त, रुका हुआ है। अरे उस अविनाश का दवाई था। ये रहा हॉस्टल, क्या सूरज कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? अविनाश तुम्हारा पेंट नहीं आएगा, तुम टेंशन नहीं। मेरा तबीयत खराब हो गया, नागेंद्र खाली नहीं है बाद बाकी सब। सैलेस बहुत बिजी रहता है यार, खाली शॉर्ट्स देखता है। बना दा वो पाने का नंबर। हाँ वो तीनों मीठे है, मीठे खाएगा मेरा भाई। बोलते बाहर बैठ, बाहर यहाँ बैठेगा तो आदमी पूछता नहीं क्या लगा घुमा रहा है। मोटिवेशन हो देते हैं। नानी की से हटाओ उसको, जुबान में दांत में कुछ भी फंसा लेते हैं। अभी निकल रहे हैं बहुत देर के बाद, ऑलमोस्ट 6 बज गया शाम का, आए भी थे 1 बजे के बाद ही, तो थोड़ा सा ये सब बातचीत करने में, क्योंकि एग्ज़ाम मेन ख़त्म हो गया ना, अगला एग्ज़ाम बस नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, आराम से भी पढ़ के दे सकते हैं, सॉफ्ट स्किल वाला एग्ज़ाम है।
तो वही इस कारण से ही सब आराम से चिल विल कर रहा था, तो वहीं आके बैठ गया था और कुछ नहीं। अभी चरण और राज को बुलाएं तो चरण राज दोनों आ गया होगा इधर इनकम टैक्स के पास, उसके बाद दोनों के साथ ही निकल जाएंगे फिर वापस से घर। तो वही तो अब चला जाए उसी के पास, राज और चरण के पास मतलब। चरण और राज दोनों मिल गया, ये रहा पीछे राज जी, यहाँ भी आ रहे तो सब साथ में, इधर ही आया था दोनों, अभी हम साथ में चल जाते हैं घर के लिए। मेरा बैटरी भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसको भी चार्ज करना है, ज़्यादा हम सूट कर नहीं पाएंगे, अब चलते हैं घर, उसके बाद फिर बात करते हैं। दो तीन दिन से हो क्या रहा था ना कि दो या तीन दिन से कि वीडियो एंड करना ही रह जाता था मेरा, कल तो लाइट नहीं था इस कारण से ही हम रात में एंड नहीं किया, सो गए थे हम, उसके बाद कब लाइट आया नहीं आया कुछ पता नहीं है हमको, उसके बाद सो ही गए थे तो बस। और उसके एक दिन भी पहले हम जब सोने चले जाते हैं तब हमको याद आता है, तो अभी दूसरे वाले रूम में हम सो रहे थे, रात में सो जाते हैं, इस वाले में नहीं सोते हैं, इस कारण से ही उसमें जाते तो फिर निकलने का मन नहीं करता रहता है या हमको नींद आ जाता है इस कारण से। तो आज फिर दिन में गए थे वहीं, दोस्तों से थोड़ा सा मिले, बात किए, और उसके बाद आज तो एग्ज़ाम नहीं था, मतलब कि कल भी नहीं है, परसों है मंडे को, तो उस कारण से पर मंडे वाला एग्ज़ाम वही दो तीन चार घंटा आप पढ़ लो बस पास हो जाओगे, पता रहना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है बस और कुछ नहीं। तो बस तो उसके बाद फिर आया था चरण और राज दोनों आया था, उसके बाद फिर उसी के साथ फिर वापस से घर आ गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू वेरी मच, बाय। और फैन वैन ऑफ करके ही वीडियो बनाना पड़ता है, कूलर वगैरह सारा कुछ, नहीं तो आवाज़ नहीं आता रहता, नाउ बाय बाय।